मित्रों नमस्कार। मैं आज एवरेस्ट की जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको विदित होगा कि एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, जहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है, और ये स्थान एक तरह से निर्जन है। हिमालय पर्वत पर 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद बर्फ जमना शुरू हो जाता है और एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 है, तो इससे कल्पना की जा सकती है कि कितना संकटग्रस्त यह क्षेत्र है। एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास वर्षों से किया जाता रहा है, लेकिन इसमें पहली सफलता 1953 में मिलती है तेंजिंग नॉर्गे शेरपा और एडमंड हिलरी को। तेंजिंग नॉर्गे शेरपा नेपाल के निवासी थे, जिन्हें 1933 में भारतीय नागरिकता मिलती है। उसके पश्चात उन्होंने सातवीं बार में 1953 में एवरेस्ट फतह किया। महिलाओं के तरफ से 1975 में जुन्को ताबेई ने, जो जापान की निवासी हैं, सात महाद्वीपों की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला बनती हैं। उसके बाद भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ती हैं। भारत के तरफ से सबसे कम उम्र में चढ़ने का रिकॉर्ड मालवाथा पूर्णा का है, जो 13 वर्ष और 11 महीना में ये उपलब्धि हासिल की। भारत के तरफ से एक और महिला विभूति अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने दिव्यांग होने के बाद भी एवरेस्ट पर परचम फहराया, साथ ही विश्व की सात सर्वोच्च चोटियां जो सात महाद्वीपों में स्थित हैं को भी फतह किया। अंशु जामसेपना दूसरी भारतीय महिला हैं, जिन्होंने 5 दिनों में 2 बार चढ़कर रिकॉर्ड बनाया। वैसे पहली भारतीय महिला का नाम संतोष जाधव है, जिन्होंने 2 बार चढ़ा था, लेकिन ये 2 वर्षों में ये चढ़ी थी, जबकि अंशु जामसेपना ने 1 वर्ष में 5 दिनों के अंदर ऐसी उपलब्धि हासिल की। 21 बार चढ़ने का रिकॉर्ड नेपाल के कामी रीता शेरपा का है, बिना ऑक्सीजन के सहारा चढ़ने वाले पहले व्यक्ति फुरदोंजी हैं जो नेपाल के हैं। 8 घंटा 10 मिनट में एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड शेरपा पेम्बा दोरजी का है, जिन्होंने 8 घंटा 10 मिनट में ही ये उपलब्धि हासिल की। निवेदिता चौधरी पहली भारतीय महिला पायलट हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी। सर्वाधिक उम्र में भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी उनका नाम है संगीता बहल। सर्वाधिक उम्र के युशिरो मियुरा जापान की ये औरत हैं जो चढ़ी हैं। अर्जुन वाजपेयी जो तीसरी सबसे सर्वोच्च चोटी पर चढ़े कंचनजंगा पर, वो सबसे कम उम्र के पुरुष पर्वतारोही हैं। इन सारी जानकारी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।